नाखून में बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे बम बना रहे एक आरोपी की हथेली के चीथड़े उड़ गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बम बनाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। बम धमाके से पाकुड़ दहल उठा। हिरनपुर के दुमली गांव में बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे बम बना रहे एक युवक के हाथ के चीथड़े उड़ गए। आदिवासी टोला के एक घर में युवक बम बना रहे थे, लेकिन ब्लास्ट होने पर ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बम बनाने के एक आरोपी की पिटाई भी कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बम बनाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एक घर में लोग बम बना रहा था और उसी में चूक होकर इसका हाथ उड़ गया। उसी पे ग्रामीण लोग जुट करके इसको पकड़े गए और वहां से जख्मी हालत में इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस ने आशंका जताई है कि आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इसी को लेकर बम बना रहे थे, लेकिन बम फटने से न सिर्फ उसके मंसूबे पर पानी फिर गया, बल्कि एक आरोपी अपना हाथ भी गंवा बैठा। इतना ही नहीं, बम बनाने के आरोप में सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। न्यूज 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव की रिपोर्ट। जा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। जी राजा, ये बता दूं कि ये हिरनपुर थाना क्षेत्र के दुलमी एक गांव है, जहां पर तीन साजिशकर्ता अपराधी जो है ये घर के अंदर में बम बनाने की बम बना रहे थे। उसी वक्त एक बम जो है विस्फोट कर गया। हो सकता है वहां पर उन दोनों को बुलाया गया था जिनके घर में ये विस्फोट हुआ, उसके बाद अफरा तफरी मच गया, एक साजिश का भंडाफोड़ हो गया। क्योंकि इन लोग के ऊपर में कहा जा रहा है कि जब पुलिस जो इस पे जांच कर रही थी, जांच में पता चला है कि इन लोगों पे आपराधिक मामला भी दर्ज है और ये कहीं ना कहीं बड़ा एक षड्यंत्र का एक साजिश बना रहा था। जो जैसे ही बम विस्फोट हुआ, पूरे इलाका में अफरा तफरी मच गया और लोग भागदौड़ करने लगे। उसी बीच में जब पुलिस को सूचना मिला, सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचा और तीनों को हिरासत में ले लिया और एक की हालत, एक हाथ में काफी जख्मी हुई है, उनको पाकुड़ सदर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए दुमका रेफर कर दिया। इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और उनके घर से एक देसी कट्टा सहित चार कारतूस और एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है, जिसमें जांच चल रही थी। हो सकता है कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाला था, उसके पहले ही ये भंडाफोड़ हो गया। जी जयदेव, ब्लास्ट होने पर लोगों को जानकारी मिली कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था इस घर में, जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में क्या पता चला है? कब से ये बम बनाने का काम कर रहे थे घर में? जी, इन लोगों ने जिनके घर में वैसी मुर्गू के जिसके घर में जो ये घटना को अंजाम दिया गया, वो दो लोगों को बुलाया गया था। दोनों ये आसाम के रहने वाले हैं और वो लोग यहाँ पर आए हुए थे और इसमें एक ग्रुप बना के एक साजिश के तहत एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम देने का ये लोग योजना बना रहा था, जिसको लेकर ये भंडाफोड़ हो गया और लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि कब से ये लोग कर रहे थे। परंतु इन लोगों की यदि बात करें तो इन लोगों की आपराधिक घटनाएं इसके पूर्व में भी रहा है और पुलिस इनपे इनके इतिहास को भी खंगाल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदेव तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।